कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.5 अध्याय 20 प्रायिकता। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार क्या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिए, एक पासे को 6 बार उछालने पर, तो यहाँ पर हमारे पास n का मान हो गया 6। एक पासे को क्योंकि कितने बार उछाल रहे हैं, 6 बार उछाल रहे हैं। P एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता, एक पासे पर 6 आने की क्या प्रायिकता, एक पासे पर 6 आने की हम प्रायिकता देखेंगे। तो हम पाते हैं कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक आते हैं, प्रत्येक की संभावना 1/6। पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता मीन्स 1-P, तो क्या हो जाएगा 1-1/6, तो क्यों की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5/6। दो बार उछालने पर अधिकतम 2 बार, अधिकतम कितने बार 2 बार, यानी 2 से ज़्यादा नहीं। तो अब हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, अधिकतम क्या 2 बार, 2 या 2 से छोटी वैल्यू। तीन प्रकार के इसमें मिलेगी। पहला तो कि देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की एक भी बार 6 नहीं आएगा, धन दूसरी बार कि 1 बार 6 आएगा, तीसरा कि 2 बार 6 आएगा। P ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स 6C0 पी रेस टू 0 क्यू रेस टू 6 प्लस 6C1 पी रेस टू 1 क्यू रेस टू 5 प्लस 6C2 पी रेस टू 2 क्यू रेस टू 4। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो 6C0 मतलब 1 × 1 क्यू रेस टू 6 5/6 रेस टू 6 प्लस 6C1 6 × पी रेस टू 1 मतलब 1/6 रेस टू 1 क्यू रेस टू 5 5/6 रेस टू 5 6C2 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 पी रेस टू 2 1/6 रेस टू 2 5/6 रेस टू 4। अगर ध्यान से देखें तो हम पाते कि प्रत्येक पद में 5/6 रेस टू 4 सारे पदों से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5/6 रेस टू 4 सारे पदों से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो पावर 6 है, 2 निकाल लिए तो 2 बचे, 5 25 6 6 36 धन। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, मान लो ये 6 5/6 एक बचा, उसका गुना 6 से हुआ, 6 5 36 क्या हो गया 6 5 36 और ये 6 6 36 धन 15 × 15 5/6 रेस टू 4 तो कॉमन है 6 6 36। अंश की सारी संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, इसलिए जुड़ जाएगी क्योंकि हर में सब में क्या है 36। तो सीधे सीधे जब योग होगा तो देखिए 25 और 30 55 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास माना जाएगा कितना 70। तो ये माना जाएगा कितना
ये मान हमको मिलेगा 70/36, 5/6 raised to 4। हम में से सब जानते 70 और 36 दोनों में किसका भाग, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने पर 70 35 बार, 36 18 बार कटेगा, 5/6 raised to 4। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।